are live. And this is my first live ever with so many fans requesting me. I've never done it, but today when Imran said let's do a live together, I couldn't help but do it. So I make my debut with Imran. Yes. So Janab, this was we are together, me and Amisha Patel. And as you said, that she's coming for the first time live on Instagram. So Janab, ye bhi mere hi कहीं तो लॉन्च साथ होना था हमें. हम एक फिल्म साथ कर रहे थे बहुत पहले, आपको शायद याद होगा, जो कि नहीं हो सकी. जनाब कैसे हैं आप लोग? एंड फेमस कहो ना प्यार है गर्ल एंड विद लॉट्स ऑफ हेयर्स अंडर हर बेल्ट माशाल्लाह. सो अमीशा, how do you feel being live with my Pakistani Indians and I am loving it. I'm so happy and so proud to be here, and really really I think, you know, films is something that unites us so much. Yeah. And I wish everyone would take this lesson from us and just be peaceful, because see, we get along so well. And the truth is we all get along really well, but it's really nice to be here with Imran, who's an old friend and was to be a colleague and hopefully will be a colleague in the future. Yeah. And I have lots of friends in Pakistan, so all those who are at Tufts University with me, a shout out to you all. My best and closest friends were all from Lahore and Karachi, and I really hope. I know hope, who exactly you're talking about. Really, really hope to visit Pakistan very soon. Well, my best character is a Pakistani girl, Sakina. Oh yeah, by the way, Ghadar 2 is coming out. Yes, soon, right? And so I go visit. Are you playing the same role? Same role, Sakina. Okay. And opposite Sunny, who's Tara Singh. It's the same film, wohi family ki kahani. What happens 10 years later? Again, it's the backdrop of. Hi, Nina. Nina is a very good friend of mine. She's hi, Nina. Hi. Nina Kashif is there, and I don't know how many other actors and celebrities and my friends are there online with us. तो जी अच्छा, सबसे पहली बात ये कि यहाँ किसी ने भी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ हेट कमेंट्स भी आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको बुरा लिखते हैं, हमें बुरा लिखते हैं जस्ट फॉर द हैक ऑफ यू नो बीइंग नेगेटिव. यहाँ एक अजीब सी साइकोलॉजी है, हम सारी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पे. सो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव और वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग नेगेटिव हियर, बिकॉज बहुत बहुत कम ऐसा होता है जब दो मुल्कों के लोग प्यार की बात करने के लिए एक साथ एक जगह पे जमा होते हैं. तो प्लीज ऐसी कोई बात ना कीजिएगा जिससे मेरा दिल टूटे या आपका या हमेशा का दिल टूटे या किसी का भी. तो प्लीज अच्छी अच्छी बातें लिखिए. और हाँ जी, ज़हरा बुखारी, हाय, शी इज माय नीस. हाय ज़हरा. एंड अच्छा जी, तो कुछ बताइए अमीशा आप अपने बारे में कि हाय रबीर. सब कमेंट्स ना पढ़िएगा, कहीं कुछ बहुत बुरा भी होता है जो हम पढ़ते हैं. नो, एक्चुअली इतना अच्छा लग रहा है, बिकॉज अब तक जितने भी कमेंट्स में मैं देख रही हूँ तो इसमें एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है. तो जारी रखिएगा, इट फील्स वेरी वेरी गुड कि इतना पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है. एंड वी आर बोथ हैप्पी टू बी टुगेदर. यस, बोथ ऑफ अस डू लुक ग्रेट. थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट, माशाल्लाह. बहुत शायद आप जल्दी हमें साथ देखें भी. आई होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड. तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही. एंड इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे. एंड हेलो अमीशा, हाउ यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड, लवली टू हियर फ्रॉम यू. अच्छा जी, क्यूटी दोनों माशाल्लाह, हाउ स्वीट. आई एम टेलिंग यू, आज के कमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव है. व्हाई डोंट यू डू अ प्रोजेक्ट टुगेदर? यू गाइस लुक गुड टुगेदर. आई एग्री. सो जी, I saw a comment कि हाय इमरान, आप, मैं इंडिया से, आपके ड्रामा बहुत पसंद है मुझे. एक्चुअली हिंदुस्तान में इनके इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे मैंने पोस्ट किए इनके साथ जो इवेंट पे गए थे हम लोग परसों रात को, एंड आई हैव ओनली गॉटन रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द लेडीज. ही सीम्स टू बी अ रियल लेडी किलर. इवेंट पे भी लड़कियां ऐसे पागल की तरह, यू नो, फेंट हो रहे थे ऐसे, इमरान प्लीज वी डोंट नीड एनी कैजुअलिटीज, बट यू आर अ रियल चार्मर. आई मीन ऑल द वुमेन इन इंडिया लव यू, एंड ऑफ ऑल एजेस. मैंने देखा है कि चाहे वो हमारे दादी माँ के एज के हो या मम्मी के एज के हो या यंग गर्ल्स, दे ऑल लव यू, दे वॉच योर टीवी शोज ऑल द टाइम. एंड मैंने इतने सारे ऑटोग्राफ्स लिए हैं ऑन फिजिकल पेपर, इनके इतने वीडियो कॉल्स करवाए खुश करवाने के लिए. आई वांट अ लॉट ऑफ ब्राउनी पॉइंट्स बिकॉज़ ऑफ हिम नाउ. और मेरे पास जो मैसेजेस और मेरे पास जो लिस्ट आई है अमीशा के फैंस की, मुझे आप यकीन करें, इतने लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया. मैंने कहा था यार, मैं क्या जाके अमीशा को कहूंगा कि
मतलब सब आपके दीवाने हैं एवर सिंस यू स्टार्टेड वर्किंग. योर फर्स्ट फिल्म वाज अ ब्लॉकबस्टर, कहो ना प्यार है. मुझे तो खैर मैं अभी मैं सोच रहा था कि अमीषा के साथ बैठे गाने गाएंगे इन्हीं की फिल्मों के, तो मैं जब लिस्ट निकाल रहा था तो कौन कौन से गाने, वो दिल में दर्द सा जगह है, लेजी लव है, वो बॉबी वाला गाना दिल में दर्द सा जगह है, सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है. अच्छा, इट्स अ वेरी प्योर बॉलीवुड अलका याग्निक और उदित नारायण वाले जो वेरी वेरी ओल्ड स्कूल रोमांटिक रियल बॉलीवुड. अच्छा, लगता है कि अब वाला बॉलीवुड से मजा ही खत्म हो गया जब से ये वाली आवाजें खत्म हुई. अब इनसे अब ये वाले कंपोजर्स चले गए और एक जो टिपिकल जंगल में अचानक आप गाना शुरू कर देते थे खेतों में, और ये तो वो चार्म बॉलीवुड का जो था वो इवन हमारे यहाँ अभी लॉलीवुड में भी वो चीज जब से कम हुई है तो वो फिल्म नहीं लगती, वो जो कलर्स थे. मैं अग्री करती हूँ आपसे, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ इस बारे में. एंड आई होप कि बॉलीवुड वापस जाए उस ओल्ड फॉर्मूला को अपनाए फिर से, क्योंकि वो फोटो वो ही चल रहा था. यू नो आजकल आप देखो फिल्में नहीं चल रही हैं, यू नो बिकॉज आई थिंक लोग वो चीजों को मिस कर रहे हैं. उनका नशा अभी तक सब पे छाया है, वो रियलिस्टिक नहीं होता था, बट लेकिन फिल्में रियलिस्टिक बनाने के लिए नहीं होती. यू मेक फिल्म्स गोइंग टू ड्रीम वर्ल्ड, ख्वाब की दुनिया, खासकर हमारी फिल्में, यू नो जहां हम लेके जाते एक अलग सी दुनिया. रियलिस्टिक मैं तो फिल्में देखता ही गानों के लिए था, मुझे तो बीच में गानों के लोग फिल्मों फिल्म देखते थे गानों के लिए. जब हमें जो बीच का जो होता था ना गानों के बीच में वो देखना पड़ता था, हम सार करते थे कि अब गाना आए. और वो जब से खत्म हुआ वो अब दिल ही नहीं चाहता उस तरह की फिल्में देखने का. और फिल्म जिस तरह के आपकी गदर थी या जिस तरह इवन कहो ना प्यार है, हमराज वगैरह, ये सारी बड़े पर्दे की फिल्में थी. गदर जिस तरह है कि वो आप लोग जब देखने जाए तो वो सिनेमा में ही देखिएगा, इसलिए कि सिनेमा की फिल्म जो होती है वो सिनेमा के लिए ही डिजाइन होती है. तो और प्लीज उन सब लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अक्सर मैंने देखा है कि एक एक बहुत ही कम शायद वो एक एक फैक्शन ऑफ सोसाइटी है, शायद 1% या 0.5% होगा, लेकिन वो है. और वो एक कहते हैं ना कि एक एक, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो बहुत कम लोग होंगे ऐसे. लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि यार इंडिया पाकिस्तान के लोग साथ हैं तो चलो इसको हम बाइकआउट करते हैं. प्लीज़ यार, अब बहुत बहुत तकलीफें और बहुत दुख हो चुके हैं. मेरे ख्याल अच्छी प्यार की बातें करते हैं, ज़िंदगी और दुनिया बहुत थोड़े दिनों की. अपने कोविड में देखा कि कितने लोग अचानक चले गए, कितने प्यारे हमसे बिछड़ गए, कितने ये दुश्मनियां नफरतें कब तक चलेंगी. मिटा दो इनको, मिटा के हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए. स्पेशली हमारी जनरेशन या जो हम लोगों को तो सोचना चाहिए कि अब मजीद तकलीफ की और दुख की बात ना करें. और जो लोग ऐसी बातें करते हैं और यूनिटी की बातें करें और एक होने की बातें करें वो सबसे बेस्ट होगा. और विल बी स्ट्रॉन्गर फॉर इट. टोटली. चलिए जी, थैंक यू सो मच. और ये जो मेरी लाइव जो भी है चैट, आई विल पोस्ट इट ऑन माय इंस्टाग्राम, इट विल बी देयर. ओके, अमीषा इज न्यू टू इंस्टाग्राम बाय द वे. आई एम यूज्ड टू इंस्टाग्राम लाइव्स. आई एम वेरी न्यू, आई हैव नेवर डन इट. दिस इज लाइक आई सेड माय डेब्यू विद इमरान. कहीं तो अच्छी डेब्यू हुई. तो चलिए, नहीं ऋतिक के साथ भी आपकी डेब्यू बड़ी अच्छी. नहीं, आई एम सेइंग ऋतिक के साथ ऑफ कोर्स अच्छी हुई थी. हमारी मेरी डेब्यू एटलीस्ट बहुत अच्छी. चलिए जी, थैंक यू सो मच एंड सी यू लेटर इंशाल्लाह. एंड वी विल पोस्ट अ song together very soon. Yes, stay tuned. Bye bye.